नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईडी को एक्टिव कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे या क्रोम पे रेनेटस लॉगिन सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। अब इस पेज पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई वॉलेट बैलेंस, जहाँ मुझे एक आईडी को बेसिक पैक से ग्रीन या एक्टिव करना है। मैंने अपनी ई वॉलेट में 2160 का बैलेंस ऐड कर दिया है। अगर आपको ई वॉलेट में ऐड मनी करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आपको जितने भी पैक से आईडी को एक्टिव करना हो आप उतनी ऐड मनी करना यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नेम शो हो रहा होगा, उस नेम पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपग्रेड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर आईआरडी डालनी है, जिसे आपको एक्टिव करना है, जिससे उसका नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको उस नाम पर भी क्लिक करना है। ये करने के बाद अपग्रेड टू में सेलेक्ट पैकेज, यहाँ पर आपको जितने से भी आईडी को एक्टिव करना है वो पैक आप सेलेक्ट कर लें और उतना बैलेंस आपके ई वॉलेट में होना चाहिए। और पे मोड में ई वॉलेट को सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको अपनी आईआरडी टाइप करनी है और नीचे ई वॉलेट का पासवर्ड डालकर ग्रीन बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपकी आईडी का एक्टिव का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप यहाँ माई अकाउंट पर क्लिक करके और अपग्रेड डिटेल पर क्लिक करके और फिर यहाँ पे आगे इनवॉइस पर क्लिक करके इनवॉइस को निकाल सकते हैं और किसी भी लोकल फ्रेंचाइज पर इसे दिखाकर अपने रेनेटस नोवा प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि काम करने में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।